मिल गया क्या आपको नियुक्ति पत्र? हाँ मिल गया। कहाँ से हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं। आप इधर आ जाइए, साथ में दोनों दोस्त हैं? जी सर। ऐसा फेस मिला हमको लगा बहन है क्या दोनों? नहीं सर, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों के साथ में ही पटना। आप कहाँ से हैं? मुंगेर से हैं। मुंगेर जिले से? जी। बिहार से है ना? जी। अच्छा, किस क्लास के लिए अपॉइंट हुए हैं आप? 11-12 हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं। सवाल हमारा ये है कि लोग कहते हैं कि हिंदी सिर्फ दिखने में आसान लगता है, बहुत हार्ड है, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर शिक्षक अगर अच्छे से पढ़ाए। अच्छा, एनर्जी नहीं बचा क्या? नहीं। सब नियुक्ति पत्र लेने में खत्म कर दिए? सुबह से खा के आए, उसके बाद हम लोग अभी खाएंगे। अच्छा, उसके बाद खा ही नहीं, हम लोग 6-7 घंटे बाद खाने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कहीं नौकरी कर रहे थे या फिर? हाँ, अभी हम लोग 9th में, हम लोग पालीगंज पटना में हैं। अच्छा, अच्छा, हिंदी में ही 9th में। अच्छा, ये बताइए 9th में आप पहले पढ़ा रहे थे स्कूलों में, अभी 2 महीना ही हुआ है हम लोग, नवंबर दिसंबर जनवरी अभी हो। क्या समस्या आपको देखने को मिला विद्यालय में, क्या कमी आपको देखने को मिला? अभी तो कोई वैसा बहुत ज़्यादा कमी ऐसा देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसा लगा आपको? जो नए स्कूल अभी जो 11-12 में बने हैं तो उन लोग में बेंच डेस्क ये सब की कमी है, और अभी धीरे धीरे तो विद्यार्थी आना शुरू किए, जैसे BPSC टीचर आ रहे हैं तो उस हिसाब से बच्चे भी देख रहे हैं कि नए नए शिक्षक आए हैं पढ़े लिखे एजुकेटेड, तो वो लोग भी आ रहे हैं और अभिभावक भी भेज रहे हैं अपने बच्चे को, ये देखने को मिला है हम लोग को, ये अच्छा चीज़ है। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कहते हैं अच्छे टीचर नहीं है, वो पढ़ाते नहीं हैं, हम क्यों जाएंगे स्कूल, तो वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसा पूछिएगा, खैर अभी नहीं मिलेगा आपको कि ऐसा कोई कहता है, अब नहीं कहता है, जब से BPSC वाले आए हैं, अब कहीं भी देखिएगा, अब इंटरव्यू हो रहा है, टीचर का भी हो रहा है और बच्चों का भी हो रहा है, तो ऐसा कोई कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले के भी टीचर बहुत अच्छे हैं, खैर टीचरों की कमी थी, इसीलिए कमी के कारण बोल सकते हैं आप कि एक टीचर पे बहुत सारा सब्जेक्ट दे दिया जाता है, तो वो कहाँ कहाँ क्या करें। अभी इतने सारे BPSC टीचर आ गए हैं तो अब कमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, अभिभावक भी खुश है, अब हम लोग देखते हैं कि अभिभावक भी आते हैं, हर सैटरडे को आते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो ना अभी बच्चे भी खुश है, अभिभावक भी खुश है, सभी खुश है। आर यू मैरिड और अनमैरिड? अनमैरिड। तिलक लेंगे या फिर देंगे? नहीं नहीं, इसके खिलाफ है, ना लेना है ना देना, हम क्यों लेंगे और ना देना भी नहीं है। अच्छा, देखिए कुछ लोगों का सवाल है कि जो BPSC के टीचर बने हैं, जो शादीशुदा नहीं, वो किसान के बेटे से शादी करेंगे क्या? बिल्कुल क्यों नहीं, अगर पढ़े लिखे रहे, अगर वो समझदार रहे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये किसान हम लोग के अन्नदाता है, क्यों नहीं करेंगे। दहेज को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या हमारे समाज के लिए एक श्राप है ये? अगर देखा जाए, हाँ श्राप के ही जैसा देखेंगे, एकदम दहेज के खिलाफ होना चाहिए, जो माता पिता ऋण लेके अपना लेके ये सब कर रहे हैं, दे रहे हैं अपनी बेटी को, तो वो बेटी भी सोचती होगी पिता को कितना श्राप ही उनके लिए हो गया ना, तो ये बहुत ख़राब बात है, नहीं होना चाहिए। दहेज आप एक टीचर हैं, कैसे दहेज मुक्त बिहार होगा? सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आप जैसे टीचर को भी कहती है कि आप लोग भी जो है वो शपथ लीजिए और जाके स्कूलों में बताइए, बच्चों को प्रेरित करिए, तो आखिर बिहार में दहेज मुक्त कैसे होगा ये बताइए। सर अभी जैसे नए नए शिक्षक आए हैं तो वो प्रेरित करेंगे बच्चों को, बच्चे सीखेंगे, अपने घर में जाके बताएंगे कि नहीं पापा हम आज सीख के आए हैं, ऐसे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें ही हम लोग कुछ कुछ टॉपिक ऐसा निकालते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सीखेंगे तो अपने घर में बोलेंगे, तो घर वाले भी धीरे धीरे, वो कोई भी एजुकेटेड है वो समझेंगे, घर वाले भी समझेंगे, बच्चे अब टीचर से सीखेंगे और बच्चे जाते हैं अपने घर में तो वो बताते हैं आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ ऐसा बोला गया, तो सुनते सुनते होता है परिवर्तन आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? पूनम सिंह। कहाँ से हैं आप? पटना से। किस क्लास के लिए अपॉइंट हुई हैं आप? 9th के लिए, यहाँ 11-12 TRE 1 में 9th के लिए हुए थे। क्या सब्जेक्ट है आपका? हिंदी सर। अभी हिंदी से? यस सर। क्या लगता है, हिंदी थोड़ा कड़ा सब्जेक्ट है या फिर नॉर्मल है? सर टफ नहीं है, लोग सोचते हैं कि हमारी भाषा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खास करके पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हिंदी का जो पढ़ाने का तरीका वो इंटरेस्टिंग अगर हो तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और समझ पाएंगे और आसान होगा। आजकल के बच्चे कहते हैं कि आप हिंदी जानो या ना जानो, बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए आना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, ऐसा है कुछ क्या? सर ऐसा हमारे समाज में बना हुआ है कि जो इंग्लिश 2-4 लाइन भी बोलते हैं तो लोगों का नज़रिया उसके प्रति अलग है और जो हिंदी बोलते हैं उसके प्रति अलग है, तो समाज में अगर हिंदी की जो वैल्यू है उसको हम बताया जाए समझाया जाए तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि खास करके प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन नीति सरकार इस चीज़ से हम लोग को मुक्त रखे हैं, हमें इस बात की बात। क्या नाम है आपका? मीनू कुमारी सिन्हा। कौन से क्लास के लिए? 11-12। सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है जी।
तो साइकोलॉजी वाले सुनते हैं कि दिमाग भी पढ़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है कि टीचर तो बच्चे का दिमाग पढ़ते हैं। जी जरूर जी, क्योंकि बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ के ही समझ के ही पढ़ाना ज्यादा असंभव होता है। छोटे बच्चों के लिए खासतौर ये जरूरी है। किस तौर पे आप जब सरकारी विद्यालय में आप जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगी, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं कैसे प्रेरित करेंगे ताकि वो दौड़ कर आए स्कूल में, कहेंगे अरे नैकी मैडम जो आई है बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हैं, तो कैसे पढ़ाइएगा कि बच्चा दौड़ के आएगा आपके पास? बच्चों को इनकरेज करने की जरूरत है, पढ़ाई की वैल्यू सबसे पहले बताने की जरूरत है कि पढ़ाई करने के बाद आप हर अचीवमेंट को दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। यही एक रास्ता है जिससे आप ऊंची से ऊंची बुलंदियों पर हासिल कर सकते हैं। दूसरा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है एजुकेशन के अलावा। तो बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के लिए प्रेरित करना है, बच्चे अपने आप पढ़ने लगेंगे, है ना जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप YouTube पे सर्च करेंगे समर राठौर आपको मिल जाएगा। ऐसे टीवी तो बैठ के आप लोग देखेंगे नहीं, है ना? आप ही को देख करके हम रुक गए। तो आप सर्च करेंगे YouTube पे समर राठौर, वहाँ MBA न्यूज आप देख लीजिए। पता नहीं हम पकड़े कि नहीं पकड़े, बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा है। पहले आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? सर मैं गया से ही हूँ। किस क्लास के लिए पॉइंट हुए हैं? मैं सर संस्कृत विषय के लिए 11th 12th के लिए हुआ हूँ। संस्कृत जी। ब्राह्मण है? जी भूमियार ब्राह्मण है। भूमियार ब्राह्मण है। चलिए अब हमारा आप सवाल आपसे होगा कि हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि ब्राह्मण वही कहलाएंगे जो जाति से ब्राह्मण होंगे। सवाल आपसे हमारा ये है, आप एक टीचर हैं, आप संस्कृत का ज्ञाता बन गए जी, विद्वान हो गए आप, तो आप भी ब्राह्मण से कम नहीं रहे। तो लोग जो कहते हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जाति अलग है बाकी जाति अलग है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जाति को लेकर क्या सोचते हैं? सर खास करके जो शैक्षिक जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ये सब जात पात का तो विषय में कुछ नहीं है कहना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ब्राह्मणवाद के विषय में आपने प्रश्न किया है, तो सर जो भी अध्ययनशील है जो अध्यापक है उसको ये सब, चूँकि शिक्षक बनने के बाद उसको कोई जात पात नहीं होता है, बिल्कुल वो केवल वहाँ विद्यालय में दो ही जात होते हैं, एक शिक्षक जात होते हैं एक विद्यार्थी जात होते हैं, और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसके अलावा विद्यालय स्तर पर कोई जात पात की प्रक्रिया नहीं होती है, जात पात करना भी नहीं चाहिए। संस्कृत को कैसे तोड़ मरोड़ कर पढ़ाएंगे आप? तोड़ मरोड़ एकदम सीधा है सर, संस्कृत बिल्कुल सीधा है। बात यह है कि शिक्षकों का अभाव है, अध्यापकों का अभाव है, लोग पढ़ते नहीं, इसके वजह से लगता है कि विषय तोड़ मोड़ जोड़ है। बस तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी संस्कृत जगत से जुड़े हुए जो अध्यापक है, जो अध्यापकत्व गुण उनमें जो विद्यमान है, वो उनके लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान रहता है, और तोड़ जोड़ने की बात यहाँ नहीं होती है, यहाँ एकदम सीधा सीधा है, एकदम ईजी लगता है कि बहुत ईजी है, एकदम बिल्कुल है। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत कठिन भी है, प्रारंभ में कठिनाई महसूस होती है लेकिन बाद में बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे के यहाँ इतना शब्दकोश है, इतनी यहाँ उपसर्ग हैं प्रत्यय हैं कि आप बहुत कठिन भी बोल सकते हैं नहीं तो बहुत आसान भी बोल सकते। फिर हम लौट के आपके पास आएंगे, आप यहीं पर रुकेंगे। भाई साहब थोड़ा जल्दी में, क्या नाम है आपका? मोहित राज। कहाँ से हैं आप? गया से ही हैं। अच्छा, किस क्लास के लिए पॉइंट हुए हैं आप? हम 6 to 8 के लिए हुए हैं। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट? सामाजिक विज्ञान के लिए। क्या कहना चाहेंगे बिहार के बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि व्यवस्था कैसी भी हो अध्यापक अच्छे हो गए हैं, और व्यवस्था में सुधार हो ही रही है और होते ही रहेगी, ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो ना रुकी है आज तक ना रुकेगी। तो हम यही बोलना चाहेंगे बच्चे अब अधिक से अधिक संख्या में आए, अभी नहीं, अभी तो ये तापमान थोड़ा नीचे है, अभी बंद है स्कूल, हाँ विद्यालय भी बंद है, DM साहब ने बोला है जैसे ही तापमान सुधरता है निश्चित रूप से विद्यालय में आएंगे। और आप स्वयं, आप तो मीडियंस हैं, आपके चैनल को हम फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि भाई आप सरकारी विद्यालय में जाएं और एक आम बच्चे से आप प्रश्न करें तो आपको जो उसका असर है दिखेगा स्पष्ट रूप से, हमें ये भरोसा है। धन्यवाद। अच्छा, गायत्री मंत्र का जो है ओम भूर्भुव स्वः तत्सत्सर्वं पितुः वरेण्यं भर्गो देवः सधीमहि धियो येन प्रचोदयात्, क्या ये संस्कृत का ये है? सर बिल्कुल संस्कृत भाषा में है यह मंत्र। इसका अर्थ क्या है आखिर? सर देखिए इसके अर्थ करने के लिए हमें कुछ समय पहले लिखना होगा और ये करना होगा, चूँकि मैं इसका अर्थ
क्या नाम है वैदिक पक्ष से भी और साइंटिफिक पक्ष से भी मैं इसका अर्थ दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय आपको देने की आवश्यकता होगी। चलिए समय हम नहीं देंगे, हम एक सवाल आपसे अंतिम करेंगे कि जो बच्चे संस्कृत में पढ़ने में कमजोर हैं, जो कहते हैं संस्कृत बहुत हार्ड सब्जेक्ट है वो नहीं हो पाएगा हमसे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, मोटिवेशन के लिए कुछ कह दीजिए। सर मैं तो जिस क्लास में पहला क्लास से मैं संस्कृत भाषा में ही संस्कृत कक्षा को मैं लेना प्रारंभ करता हूँ, और वस्तुतः बच्चे लोग समझते हैं चूँकि संस्कृत जगत से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनमें ऐसा कौशल होना चाहिए कि वो संस्कृत में जब पढ़ाएं तो समझ सके, क्योंकि हिंदी संस्कृत से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता लेकिन उनका स्तर इस तरह का होना चाहिए। तो मैं वैसे बच्चों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि संस्कृत कठिन विषय बिल्कुल नहीं है, आपके जीवन से जुड़ी ही भाषा है। जब क्या नाम जीव जंतु जब समझ सकते हैं जब संस्कृत को, तो आप क्यों नहीं समझते है? समझते हैं, जानते हैं, लेकिन केवल मन में धारणा ऐसी बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर शिक्षक संस्कृत भाषा में प्रारंभिक दिन से ही अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो समझेंगे, पढ़ेंगे, इसमें कोई कठिनाई की जरूरत महसूस करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम कुमार सत्यार्थी है। अरे बड़ा एनर्जी है आपके अंदर, एकदम बोल्डली बोल रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक थक गए हैं, बोलते हैं भूखे हैं हम, आपका एनर्जी बचा हुआ। कुछ खाए भी नहीं है सर, फिर भी देखिए नासा नियुक्ति पत्र लेने के बाद एकदम जुनून आ गया। एकदम बहुत। अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया जिला का ही रहने वाला हूँ, बांकेजर प्रखंड का एक शंकरपुर गाँव है, दिघासिन शंकरपुर, उसी गाँव का निवासी हूँ मैं। किस क्लास के लिए अपॉइंट हुए हैं? मैं 11-12 हिंदी के लिए अपॉइंटेड हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हिंदी मैं ऐसे पेशे से मतलब कि लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ और कविताएं बहुत लिखता हूँ, मेरी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या बात है। और अगली किताब भी आ रही है। क्या बात है। जिसका नाम है मुँह मांगी कीमत दूंगा। क्या बात है। अच्छा आप कवि हैं तो कुछ कविता हो जाए आज, कुछ हो जाए हल्का फुल्का? बिल्कुल बिल्कुल लिखा हूँ। कोई बात नहीं, लाइए हम पकड़ लेंगे इसको। चलिए अब आप उसको रखिए, आप लिख के रखे, याद नहीं है क्या? ना अभी तो याद तो है लेकिन अच्छा। कौन सा कौन वाला निकाले हाँ, वो तो देखना है ना। हाँ आप देखिए इसको, देखिए ये जो है वो हिंदी की टीचर हैं और कह रहे हैं कि हम कविता भी लिखते हैं और हमारा कई किताब भी आ चुका है और कुछ किताब जो है वो कुछ किताबें आने भी वाला है। तो ऐसे शिक्षक जब विद्यालय में जाएंगे, ये हिंदी के टीचर हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे कविता याद करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है वो धीरे धीरे हमारा सरकारी स्कूल जो है वो बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो बच्चे मॉडर्न बनेंगे और निश्चित तौर पे जो है ये काफ़ी बेहतर होगा। और जो बच्चे कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, अब सारे शिक्षक BPSC से जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे भी और बेहतर भी करने का प्रयास करेंगे। नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, अभी चार लाइन अभी तुरंत लिख रहे थे। अच्छा अच्छा, पहले वाला है या कैसा नंबर सही सुना दीजिए इसको, ये अच्छा नहीं रहेगा सर, जो बढ़िया लगे वही सुनाइए। पहुँच गया क्या आपको? जी सर। कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। गया से ही हैं। हाँ। किस क्लास के लिए पॉइंट हुई हैं आप? 11-12। क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा इंग्लिश है। ओह इंग्लिश सब्जेक्ट है। अच्छा सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इंग्लिश सही से बोल भी नहीं पाते हैं, सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। हाँ। क्या कमी लगता है आपको, आखिर ऐसे क्यों होता है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे जो है वो अंग्रेजी फराटेदार बोल नहीं पाते हैं और सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं? देखिए इसमें बेसिकल ये है कि शुरुआत से उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला होता है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में वो नहीं रहते हैं। बहुत जगह इंग्लिश टीचर की भी कमी है, टीचर्स ऑफ इंग्लिश की, तो ऐसा माहौल है। फिर अब हम लोगों की हो रही है रिक्रूटमेंट, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएँ और वो लोग अच्छे से बोल पाएँ। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन देन वी थिंक ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड दे कैन बी एबल टू राइट रीड एंड स्पीक इन देयर मदर लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन सेकेंड लैंग्वेज। व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इंग्लिश सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट? एज वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, so first of all a student must be taught in their mother tongue, that we all know. So, in primary education we focus on mother tongue, teaching them in their local language, and afterwards we teach them second language. English is known as the second language and English is also a global language. Everywhere we see that English is being spoken all around the country and in the globe. So when students go out of their school,
then they face this kind of situation that India is multi-speaking, multiple kinds of languages are being spoken in India. So students have to face and understand. So that's why it is important for them to understand and speak at the same time English. Do you want to say anything to our Bihar government? Bihar government is doing very well, and we are so happy with their hard work. They are continuously supporting us and working for our future teachers and present teachers. So what do you think about the KK Pathak? How is doing work in education department? He is doing tremendously well and fantastic job, and all of us have seen that first thing that we have got our salary on time, that all of us know, and because of his work, most of the teachers were being punctual in their schools. So and everything was going on very well, but some people in their background, they comment. So apart from that, everything was fine. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए, ये इंग्लिश की टीचर थी, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया, के पाठक के बारे में बताया, इंग्लिश किस तरह से महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए उसके बारे में बताया. इसके साथ ही यह भी बताया कि आखिर एक क्वालिटी एजुकेशन की क्या डेफिनेशन होती है. चलिए, हमारे साथ वो फिर से जुड़ चुके हैं हिंदी के टीचर, एक कविता सुनाने वाले हैं हमारे साथ. यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं, सुना देंगे कुछ आप. बिल्कुल, मैं कविता सुना रहा हूँ जो मेरी किताब आने वाली है, मुँह मांगी कीमत दूंगा. उस कविता, वो जो प्रबंध काव्य एक है, महाकाव्य ही कह लीजिए, तो वो जो मैंने शुरुआत किया उसका, वो आप देखें. आप मेरे मुख से अनायास ही निकले, अगर कोई मुझे इतना बतला दे किस पुस्तकालय में है विधि का लिखा अथवा किस्मत की लिखी किताब, मुँह मांगी कीमत दूंगा. सुनकर एक दोस्त बेतहाशा दौड़ा आया और आते ही कहा, इतना ज्ञानी होकर भी उल्टी सीधी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हो, या तो तुम स्वयं ही जानते हो, फिर भी अगर भूल गए हो झटके में बतला सकता हूँ, क्योंकि दोस्त हूँ, बदले में कुछ भी नहीं लूँगा. मैंने कहा, नहीं नहीं, बता तो दो, मुँह मांगी कीमत दूंगा. उसने कहा, स्वर्ग में. असहमत होकर पुनः पूछ बैठा, क्या तुम वहाँ गए थे और देख लौट कर आए हो, वह निरुत्तर चला गया. फिर मैंने कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं संग टीवी चैनलों में भी एक और सवाल लिखा, यदि कोई मुझे स्वर्ग नरक या जन्नत जहन्नम की सैर करवा दे, या 72 हुरों का दर्शन करवा दे, या आसमानी किताब के लेखक से ही मिलवा दे, मुँह मांगी कीमत दूंगा. क्या बात है, ये आपका दोस्तों था। जी जी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, कुछ शब्द ही नहीं है, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि बिहार की जो बिहार का जो शिक्षा विभाग है, बिहार सरकार जो है, या जो नीति अपनाई है कि बिहार के बाहर भी अन्य राज्यों से लोग यहाँ आकर शिक्षक बने हैं बहुत संख्या में, और वे सभी अपना योगदान देंगे, और संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों की संस्कृति, सभ्यता और जो ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षक यहाँ बिहार के बच्चों को, बिहार के विद्यार्थियों को देंगे, और पूरा बिहार ऐसा आने वाले 5-10-20 सालों में बनकर उभरेगा कि लोगों के, विद्यार्थियों के विचार और व्यवहार और नॉलेज पूरे भारतवर्ष को रंगत लाकर दिखाएगा. क्या बात, धन्यवाद. देखिए, ये हिंदी के टीचर थे और इन्होंने बताया कि मैं कविता लिखता हूँ, मेरे कई किताब आने वाले हैं और कई किताब आ भी चुका है. तो कैसा लगा इनके बातों से, इनके कविता सुनकर, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. धन्यवाद.